वांसी। सुन, जब भी बकत मिले ना तो मिलने आती रहना। और तेरे ईश्वर अंकल है, तेरे से मिलके बहुत खुश होंगे। आ जाइए, ठीक है? ना दीदी, मैं वो अंकल जी से कभी नहीं मिलूंगी। वो अच्छे अंकल नहीं है। सबके सामने मैंने झूठा साबित कर दिया, जबकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मेरी अम्मा कह रहे है कि झूठ बोलने से सर पे ना सिंग निकल आवे। अच्छा, ये दीदी ध्यान से चुप क्यों ना काटा? अरे कुछ ना आया मैंने, क्यों पौधा बिना रास्ते में रखे से आज उठा के फेंकूंगी इस पौधे में। नहीं दीदी, इन कांटों की क्या गलती है इसमें? जो बेचारे तो इन प्यारे प्यारे फूलों की रक्षा करे हैं, जो खुद चल के थोड़ी ना कोई आपको चुपने आए थे। यो बेचारे तो ना हिल सके ना बोल सके। देवांशी, ईश्वर भैया भी बिल्कुल पौधे की तरह, जो ना तो बोल सके और ना ही हिल डुल सके, तो वो जानबूझकर तेरे को दर्द क्यों पहुंचावेंगे? कोई बात तो जरूर से जो हमारे समझ में नहीं आ रही। उनकी बात तो हम समझ नहीं पाए दीदी, पर एक बात जरूर समझ आ गई। वो कौन सी बात? मेरी खुशबाड़ी दीदी बहुत अच्छी से है। हाँ, ये हुई ना मेरी दीवानसी वाली बात। हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहना और मिलने के लिए हमेशा आती रहना। चल छोरी। पंदु जी, थागरा चोरी अपने लिए तैयार रखना। हाँ, मारी कृष्ण लीला के लिए अगर राधा का रोल करने वाली चोरी ना मिली ना, मैं आपने नचवाऊंगा कृष्ण के साथ में, समझ रहे ना आप? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखे हरियाणा में, मारे को एक कृष्ण लीला के लिए एक राजानी मिल रही है मने, पर समझ रहा नहीं कहा। जय मां कुसुम सुंदरी। भाभी मां, आपके पास तो हर सवाल का जवाब हो। इसे अब ये भी बता दीजिए कि हमें हमारी राधा कब मिलेगी? मोहन ने जो चेन चुराने की गलती की थी, उसकी सजा देने का अच्छा मौका सा है। क्यों नहीं रुकता? जरूर, यो रास लीला माता रानी के दरबार में होने वाली से, तो क्यों ना माता रानी से जवाब लिया जाए। देखना, माता रानी ऐसी राधा चुन के देगी ना, तुम लोग याद रखो। वो रही हमारी राधा। अम्मा, आप ठीक तो हो ना? अम्मा, ये पानी पियो, जल्दी पियो। अम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि छौका ना मारा करो? भूल गई बेटे, ध्यान नहीं रहा। वो शाम की इतनी सारी तैयारियां करनी है ना, बस दिमाग से ही निकल गया। अरे अम्मा, तो वो काम कर लो, रसोई का काम मैं कर लूंगी। तू इन कामों के लिए नहीं बनी बेटे, तू तो अपनी इस अम्मा का मकसद पूरा करना ही से। कहीं रसोई का काम करते करते तने कुछ हो गया तो एक के पास एक सोने का अंडा कौन देगा मन? अम्मा, किस सूट में पड़ गया? कुछ ना, तू जा आराम कर जा। अरे अम्मा, रहने दो ना, मैंने आपकी मदद करना पसंद है। ठीक है, यो बात है तो तू साक्षी का टिफिन लगा दे। ठीक है अम्मा, लेकिन आप बैठ के आराम कर। अच्छा ठीक है, बैठ जाती हूँ, लेकिन आलू छीन लेती हूँ, बैठ कर। चल इसमें डाल। यो तो छोरा से फिर क्यों हो गया भुप्पी? छोरा से तो ब्रिज की रासलीला नहीं देखी? छोरा राधा बन के कैसी बढ़िया रासलीला करे।
पर भाभी माँ यो माता का आदेश है पुप्पी, और माता के आदेश के खिलाफ न मैं जा सकूं और नहीं तू, है ना नुक्ता? हाँ भाभी माँ। चलो जी चलो, मिल गई हमें हमारी राधा। इब जल्दी से मोहन ने राधा बना दी। वो क्या है ना मोहन, माता के खिलाफ जावेगा तो माता श्राप देगी, तो जाने ही है। तन्ने बेरा से देवांशी, लोग कहवे हैं अगर घर में छोरी हो जावे है ना तो माँ बाप पे बोझ हो जावे, लेकिन जिस घर में तेरी जैसी छोरी हो वहां तो माँ बाप का जन्म सुधर जाता है। अम्मा एक बात पूछूं? जो आलू भी पानी में उबले से और जो चाय भी पानी में उबले से, पर आलू पिलपिले हो गए और ये चाय खुशबूदार, ऐसा क्यों? ये कैसा बोला वाला सवाल पूछ रही है, है? पगली। चाय चाय होवे है और आलू आलू। मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक से देवांशी, बेटे साक्षी का टिफिन दे दे उसने। और साक्षी ये कैसे भूतनी जैसे बाल बना रखे हैं? मैंने जितना आवे बना दिया। दो गज की जबान हो रही है इसका। हे देवांशी, कंघी लेके इसकी चोटी बांध दे। अम्मा, मैंने आपसे बाल बनवाने हैं। देख साक्षी, आजकल तेरे बड़े नखरे हो रहे से, बनवा लेना देवांशी से बाल। मैं कोई नहीं आ रहे बाल बनाऊंगी। जा बेटे लिया कंघी, खड़ी क्यों जा। पर माँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस बात का? जब आलू और चाय दोनों ही पानी में उबल रहे हैं, फिर आलू पिलपिला क्यों और चाय खुशबूदार कैसे? रे मेरी घुंघरू वाली मैया, ये छोरी के बेतुके सवालों का जवाब कैसे दूं मैं? रे छोरियो, क्यों दिमाग खराब कर रखे से माँ का? भाई उसने जगराते की तैयारी भी करनी है, तुम्हें से पूछता ना के जो भी पूछना है। आजा साक्षी, जाने के पट्टी पढ़ाएंगे। देख बेटा, आलू और चाय की अपनी अपनी फितरत हो, वैसे एक गर्म पानी ने देखते ही उसके आगे घुटने टेक दे, और दूसरा गर्म पानी के गर्म चरित्र को समझ के पूरे संयम और समझदारी के साथ उसे अपने में मिला दे। वैसे इंसान भी अलग अलग फितरत का हो, वैसे एक मुसीबत ने सामने देखते ही उसके आगे घुटने टेक दे और आलू की तरह पिलपिला हो जाए, और दूसरा टट के मुसीबत का सामना करे और उसे अपने रंग में मिला के खुशबूदार हो जा। चल साक्षी बेटा, हाँ लेट हो रहे से स्कूल के लिए। पीठ पे भी आंखें क्या तेरी, जो मन ने आवाज से पहचान लिया? आवाज से ज्यादा आपकी खुशबू से पहचान लिया। बड़ी अच्छी खुशबू आवे से आप में से। मेरी खुशबू वाली दीदी इतनी अच्छी से बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह, और खुद ने बदल के दूसरों की जिंदगी में रंग भर दे हुए। दादी माँ, इन्हें राधा का रोल तो सिलेक्ट तो कर लिया, मैंने स्वागत तो दिखाओ। इन्हें छोरी की तरह नाचना आवे है कि नहीं वो तो देख लो। अरे गोलू, तने बीच में बोलना जरूरी है के? ना डूतन, ना उसने डांट मत। सब बस गोली, उल्टी उसने तो एकदम पते की बात करी है। इब देखो, मंदिर में सबके सामने नाचने से पहले हम परख तो लें कि हमारी यो राधा रास लीला करना जाने भी है कि ना। यो बात यो तो बहुत जरूरी है। इब लाग रिया यो राधा। वो पे तू बन जा किसन, और तू राधा बन के नाच अपने किसन के लिए।
तुम्हारे खिलाफ जावेगा, छोरी पड़ते तुम नाच नहीं पड़ेगा ना। नज्जी चाची मन्ने ये समझ में ना आ रहा कि आप दोनों मान कैसे गए। अगर बच्ची से गलती हो जावे तो उसे समझाया जावे, यो घर में बुढ़ा के सेवा के नाम पे मजदूरी करवाना ये कानून के खिलाफ है, ये आप दोनों को मालूम है कि नहीं। आसू ये बागी से देवांशी घर में इस बात ने यही दबा दे बस। ना दीदी जो बात यहाँ खत्म ना होगी, जो गलती से हो चुका है उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इब देवांशी के साथ दोबारा ऐसा ना हो इसलिए एक बात तो सड़े में समझा के जरूर आऊंगा। क्या बोला हो गया तू है, किससे बात करेगा? ओ, कुसुम तंदूरी से, जिसकी बर्ती के अलावा यहाँ पे एक पत्ता नहीं हिलता, उसने समझावेगा तू? ऐसा कोई कलेश ना कर दिए जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़े। पहले भी 7 बरस के लिए पूरे परिवार के समेत हमें गांव से बाहर फिकवा दिया था उसको सुनसुंदर ने। अब तूने फिर से कुछ कर दिया ना तो इस बार तो जिंदगी भर के लिए गांव से बाहर काट देगी। ना दीदी मैं नहीं डरता उससे, बात तो मैं करके ही आऊंगा। आशू आशू मेरी बात सुन। हे मेरी घुंघरू वाली मैया, जाने ये छोरा आशू के बवाल मचा के आवेगा वहां पे। रुको तो मामू। अमन ने मत रोक तू, अमन ने तेरी कोई बात ना सुननी समझी। अरे रुको तो मैं सलमान खान जैसे मामू। अरे पर जिस बात पे आप गुस्सा हो रहे हो उस पे तो आपका ही फायदा है। मेरा फायदा? कौन सा फायदा? पहले गुस्सा जेब में रखो उसके बाद बताऊंगी। ये कुछ होवेगा तो बतावेगी ना। अरे मन्ने वहाँ वो मिली थी। वो कौन? पहले माथे के बल सीधे करो, शक्ल अच्छी नहीं लग रही गुस्से में। देख देवांशी जैसे मैं दिख रहा हूँ ना वैसे मैं ठीक हूँ, तेने ना बताना है ना तो मत बता। मैं आपके बचपन के दोस्त जज्जा से मिली थी। पर आपने तो जाना था ना, चलो जाओ 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 जाओ। तू मिली थी उससे? हाँ। तू रज्जू से मिली थी? अरे हाँ भाई हाँ। ये तुम मन्ने सारी बातें बता चल के हैं, पर सारी बातें करेंगे मैं बोल देता हूँ। हाँ अब बता मन्ने सारी बातें हैं, जल्दी बता। एक तो पक्के से नहीं मन गई मामू, मैं जब चाहो मिल सकती हूँ अपनी खुशबाली दे देते। खुशबू वाली दीदी है? ये उनका प्यारा नाम था, मन्ने राखिया था। अच्छा वो सब छोड़, तुम मन्ने ये बता कि वो दिखने में कैसी है? एकदम दीपिका पादुकोण जैसी, उनकी जैसी खुशबू तो दीपिका पादुकोण में भी नहीं आती होगी। ये मन्ने भी कौन है उसकी खुशबू भी के? ना कुछ ना, तू ये बता कि तुम मन्ने कब मिलवा रही है अपनी खुशबू वाली दीदी से? इलायची वाली टॉफी मिलते ही मिलवा दूंगी आपको मामू से। अरे क्या तन्ने में पूरी 50 की 50 जड़वा दूंगा। फिकर थोड़ना थी, तेरा ध्यान तो बस प्यार लेने में रहे है देवांशी। अम्मा भी तन्ने प्यार करे, बापू भी तन्ने प्यार करे, मामू भी तन्ने प्यार करे, मैं ही हूँ इस घर में जिसकी कोई फिकर नहीं करता। पर तन्ने ऐसा क्यों लग रहा है साक्षी कि तू सौतेली है? आज जब तू वहाँ माता के घर में थी ना, अम्मा को भी तेरी ही फिकर थी, और अब जब तू आ गई है तो कितने खुश हो रहे हैं सब। ऐसा तो सिर्फ उन्हीं के साथ हो गए ना जो सगे हो गए हैं, जिनकी मैं सगी नहीं हूँ वो मन्ने प्यार भी नहीं करते। अब मैं उनके साथ कैसे रहूँ,
इसलिए मैं ही घर छोड़ के जा रही हूँ। साक्षी, ये तेरे कपड़े ऐसे क्यों फैले? अरे कुछ सीख ले अपनी देवांशी बहन से। उठा इसने, उठा इसने। अम्मा, ये साक्षी है ना घर। देवांशी, बेटा तू इसकी तरफदारी मत किया कर। ये छोरी ना सुधरेगी नहीं। चल समेट इसने। और बेटे चल तू मेरे साथ आ जा, तन्ने जगराते के लिए तैयार करना से ना। आजा 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 चल। और समेट इसने। की नजर ना लगे मेरी छोरी को, एकदम माता का रूप लग रही। अब सुन, मैं जैसे जैसे तन्ने बोलूंगी ना, तू वैसे वैसे करना। हाँ माँ, पर आप बनने जैसे माता के कपड़े पहना के माता बनाते हो, वैसे आप साक्षी ने क्यों नहीं कर सकते? अपनी अम्मा की बात ध्यान से सुन। ये जो सब कपड़े हैं ना, ये तेरे खातर बने से, क्योंकि तू विशेष बच्ची से, घुंघरू वाली मैया की चुनी हुई बच्ची। एक कहानी सुना, लेकिन ये कहानी असली है, ध्यान से सुनना। जब तू बहुत छोटी थी ना, तो गांव में एक बहुत बड़ा शेर आ गया। बहुत खूंखार शेर था वो। सब लोग इधर उधर डर के मारे भागे जा रहे थे, लेकिन वो से तेरे पांव के पास आकर अचानक से गिर गया, तेरे पांव में आकर बेहोश हो गया। कोई नुकसान ना पहुंचा तन्ने। आधा विश्वास तो गांव वालों को तेरे पे तभी हो गया था। ये छोरी माता का अंश है, सबका उद्धार करेगी। और आधा हो जाएगा। इसीलिए घुंघरू वाली मैया का विशेष आशीर्वाद है तेरे सर पे।